क्या कर रहे हैं आप लोग देश के लिए? देश में आज इतना वैचारिक आंदोलन फैल रहा है, देश में इतना जातिवाद आंदोलन फैल रहा है, क्या किया आप लोगों ने इसके लिए? आज ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने आज ये सड़क पर उतरकर ये संकेत दिया है कि ये छोटा संकेत नहीं है, ये एक आगामी युद्ध की तैयारी है कि अगर आप भारत के संविधान को ठीक से मान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में पूरा भारत इस तरह रोड पर उतरकर आपको सीट से नीचे उतारने की ताकत रखता है, जैसे कि बहुत सारे देशों में हुआ है। जय भीम, जय भारत। साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज बहुजन समाज भारी तादाद में इंडिया गेट पर उपस्थित हुआ है और इंडिया गेट पर उपस्थित होने का कारण आप सभी जानते हैं कि आज आप सभी को पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है और संविधान दिवस को मनाने के ही उपलक्ष में आज बहुजन समाज के लोग यहां पर भारी संख्या में एकत्रित हुए। आप सभी देख पा रहे होंगे पीछे तक सबके गले में पंचशील का पटका और पंचशील के जो ध्वज हैं और यहां पर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो भी आपको इस हवा में झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इस सुंदर नजारे का अनुभव कर सकते हैं कि कितने हर्षो उल्लास के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं, क्योंकि साथियों हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है क्योंकि संविधान इस देश का वो सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है जिस संविधान के कारण हम सभी भारत देश के लोग आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर आज हम यहाँ पर इतने स्वतंत्र रूप से घूम पा रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के कारण हो पा रहा है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने हमें बहुत सारे मूल मंत्र दिए और खासकर तीन ऐसे मूल मंत्र दिए कि शिक्षित होने का और नौकरियों का और सत्ता का। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि आज भले बहुजन समाज राजनीतिक सत्ता से दूर है लेकिन कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहा है और लगातार उसका संघर्ष सदियों से जारी रहा है और जारी रहेगा। तो इस बहुजन समाज से अपील करें, क्योंकि जब तक अपनी सत्ता नहीं होगी हम कोई भी काम सफलतापूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बहुजन समाज को आने वाले जो दिल्ली के 2020 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें भारी तादाद में एकत्रित होना होगा, संगठित होना हो और संगठित होकर अपनी सत्ता का परचम लहराना पड़ेगा। क्योंकि साथियों हमारे जो अधिकार छिनते हैं उसके पीछे सिर्फ यही कारण होता है कि ना तो हम सत्ता में होते हैं और ना ही हम पूर्ण रूप से डिसीजन ले पाने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए इस बहुजन समाज से अपील करूंगी कि आने वाले 2020 के जो चुनाव है उसमें सभी संगठित हो जाए और अपनी बहुजन एकता का परिचय देते हुए दिल्ली में बहुजनों की सरकार बनाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमें ये जो मौका मिला है बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। हम बहुजन समाज में रहकर हम पूरा तरह से अपने संविधान को मिटने नहीं देंगे, चाहे हम अपने जान की बाजी लगानी पड़े। बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया, बाबा साहब के लिए संघर्ष करने का समय अब हमारे लिए आया है। आज जो महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए जो अधिकार मिले हैं वो हमारे संविधान की वजह से मिले हैं। और जो भी जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम लोग आज इस जगह पे एकत्रित हुए हैं, वो हम एक संविधान की वजह से एकत्रित हुए हैं। जो हमारी दूसरी मनुवादी पार्टियों की सोच है, जो हमारे संविधान को ख़त्म करने के लिए लगी है, वो हम हरगिज नहीं होने देंगे। वो ये दूर दूर तक जो उनकी सोच बनी हुई है उसको ख़त्म कर दें। उनकी बाजी देके हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े। बाबा साहब ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को पूरा करने के लिए उसने उनका कष्ट, उनका जो ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण को हमें उद्धार करने का समय हमारा आया है और हमें अपने घरों से निकलना होगा। हमारे संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम लोग घर में चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ हो जाए। चाहे जो मनुवादी लोगों की सोच है वो अपनी सोच को बदलेंगे और हमारे संविधान हमेशा ऐसे ही रहेगा और संविधान के अनुसार ही हम लोग चलते रहेंगे। बाबा साहब के अधिकारों को, बाबा साहब के सपनों को और जो भी हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो भी वो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा को लेके चलते हैं। हमारी ये मनुवादी सोच नहीं है, हम मनुवादी सोच को ख़त्म करेंगे। बाबा साहब के संविधान को हम हमेशा ऐसे ही जीवित रहे। ऊपर कर्ज है आज हमारे ऊपर, उस कर्ज को निभाने का हमारा समय आ गया है और हमें अपने अपने घरों से निकलना होगा। बाबा साहब ने जो कहा था शिक्षित होना, संगठित होना, एकत्रित रहना, वह हमारा अब इस समय हमें पूरी तरह हम जागृत हो चुके हैं। और अगर कोई भी सोचे कि हम लोग मनुवादी सोच से डर के या कुछ करके हम घर में बैठ जाएंगे, आज हम यहाँ पे इंडिया गेट पे सारी देख लिए कितनी तादाद में हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं हमारी मनुवादी सोच को ख़त्म करने के लिए। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक हमारा संघर्ष है
और हम उस संघर्ष में पूरे उतरेंगे, पूर्ण उतरेंगे। हमारी बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए जो आज़ादी दी है बाबा साहब ने, वो हमें इसी दिन के लिए दिए, ताकि हम उनके संविधान को पूरी तरह बचा सकें, पूरी तरह से हम लोग उसको लागू कर सकें, पूरी तरह से हमारा ये सब चलता रहेगा कार्यक्रम, जब तक हमें ये मनुवादी सोच को हम पटकने नहीं दे देते। मेरा नाम संगीता कामले है, मैं दिल्ली से हूँ। आज हम सब यहाँ पे इंडिया गेट पे सब इकट्ठे, बड़ी बहुत संख्या में लोग तादाद में खड़े हुए हैं। लेडीज़ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके तक यहाँ पे आए हुए हैं। ये रुतबा अपने बच्चों पे, अपने लेडीज़ पे दिख रहा है सब लोगों को। डॉक्टर बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन अथक परिश्रम करके इस संविधान को पूरा किया और हर तबके के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और जिनको दूसरों की रोटी छीन के खाने का सोच रखते हैं, वो बाबा साहब के संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी यूनिटी दिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हमारा बाबा साहब का संविधान बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रबल और हर तबके के व्यक्ति के लिए वो समानता, इक्वालिटी की बात रखता है। और हमारा जो संविधान है वो मानवतावादी सोच पे है, मानवतावादी सोच। जो मनवादी सोच है वो कभी मानवतावादी ना कभी था ना कभी हो सकता है। और वही लोग हमारे संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। तो हम बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो अपना एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जय भीम। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि आज आप देख रहे हैं संविधान का हम वो निकाल रहे हैं, एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं इंडिया गेट से लेके। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये संविधान वो संविधान है जिसमें सभी को समान अधिकार दिए हैं। ये वो संविधान है जिसमें बाबा साहब ने सभी महिलाओं को हक अधिकार दिए हैं। ये वो संविधान है जिसमें महिलाओं को एक सरपंच से लेके एक राष्ट्रपति बनने तक की भी इसमें वो रखी गई है। और ये वही संविधान है जिसमें आप कह सकते हो कि बाबा साहब ने एक बार कहा था कि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। आज बाबा साहब की वजह से आज महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सीएम, डीएम और ना जाने क्या क्या। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहती हूँ अंतरिक्ष में भी अगर बोल रही हैं तो आज बाबा साहब की वजह से देन है। आज ये हमारे सब बहुजन समाज की महिलाएं नहीं, स्वर्ण समाज की महिलाएं भी जो हैं वो भी आज बाबा साहब की वजह से आज नौकरी कर पा रही है, वो भी आज बाबा साहब की वजह से घर से बाहर निकल पा रही है। ये बाबा साहब की ही वो है, संविधान की देन है। नहीं तो लड़कियों को, महिलाओं को तो कोख में ही मार दिया जाता था। आज बाबा साहब ने उस ऑपरेशन को भी आज फेल कर दिया, जब महिलाओं को ये कहा जाता था कि महिलाएं पैर की जूती होती हैं। अब महिलाएं पैर की जूती नहीं, महिलाएं सिर का ताज होती है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बोल रहा हूँ, मैं राजकुमार सिंह, संस्थापक संकल्प भूमि ट्रस्ट, वडोदरा से आया हूँ। फिलहाल गुजरात में ही रहता हूँ, यहीं का निवासी हूँ। लेकिन आज का ये जो दृश्य मैं देख रहा हूँ संविधान की सुरक्षा में जो निकला है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनुवादियों ने सुरक्षा, मनुवादियों ने संविधान को इतने अंधकार में गिरा दिया है, जबकि उनको खुद पता नहीं है कि संविधान का एक एक अंश, यानी कि वह संविधान, वही संविधान है जो भारत के हर नागरिक को इस देश का राजा, हुकुमरान बनाने का अधिकार देता है। जिससे नरेंद्र मोदी एक घाची समुदाय, जिसको गुजरात में घाची समुदाय के, तेली समुदाय के होते हुए भी उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो उनको भी इस बात की कीमत का पता नहीं है कि यह किसकी देन है। भारत के संविधान की देन है। और आज उनके होते हुए संविधान के ऊपर बार बार हस्तक्षेप हो रहा है, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, क्या बदल देंगे। अगर संविधान ही बदलना है तो सबसे पहले आप इस कुर्सी से तो जंप लगा के नीचे उतर जाओ, क्योंकि संविधान की तो देन है कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं और कोई भारत के राष्ट्रपति बन के बैठे हैं। आपको पता तो होना चाहिए बाबा साहब के संकल्प की देन है। बाबा साहब के संकल्प से जो अंकुरण हुए, वो संविधान, भारत का संविधान जो उद्देशिका में पहले पृष्ठ पर लिखी हुई है, उसी के कारण आप लोग भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हुए हैं। और आप इन सीटों पर आकर भूल गए कि बाबा साहब की देन क्या है। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर, अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देकर आप लोगों को यहां तक पहुंचाया। क्या कर रहे हैं आप लोग देश के लिए? देश में आज इतना वैचारिक आंदोलन फैल रहा है, देश में इतना जातिवाद आंदोलन फैल रहा है, क्या किया आप लोगों ने इसके लिए? आज ये
अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने आज ये सड़क पर उतरकर ये संकेत दिया है कि ये छोटा संकेत नहीं है, ये एक आगामी युद्ध की तैयारी है कि अगर आप भारत के संविधान को ठीक से मान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में पूरा भारत इस तरह रोड पर उतरकर आपको सीट से नीचे उतारने की ताकत रखता है, जैसे कि बहुत सारे देशों में हुआ है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।